इतनी शिकायतें मेरे पास बिजली वालों की हैं। जब मैंने दिशा की मीटिंग की थी, मैं उसका चेयरमैन हूँ और मैं उसको प्रेजाइड कर रहा था उस मीटिंग को, तब भी मैंने वहाँ पर कहा था कि ये बीजेपी के लोग ये गलत तरीके से हरेसमेंट फैला रहे हैं और लोगों को तंग कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा इनको, डीएम साहब बैठे थे, तो मैंने कहा इनको समझाइए, इनसे मना कीजिए कि इस तरह की हरकतें ना करें, सारे हिंदू मुसलमान शहर के सब परेशान हैं इससे। तो लिहाजा मेरी मांग ये है कि बिजली वालों से रोज़ चेकिंग, कोई हर वक्त 24 घंटे थोड़ी हो कि रोज़ चेकिंग हरेसमेंट फैला रहे हैं और चेकिंग करके पैसा कमा रहे हैं। उनका चेकिंग करने का मकसद ये नहीं है कि गवर्नमेंट की ये चोरी कर रहे हैं, बल्कि उनका मकसद ये है कि उसको किसी आदमी के यहाँ पहुँचे, उनका साथ उससे पैसे का सौदा हो गया, ला 10,000, ला 20,000, ला 50,000, ला 1,00,000। तो इस तरीके से ये पैसा, मुस्तकिल पैसा पुलिस के कर्मचारी कमा रहे हैं। एचोला कंबो में जो मामला हुआ चक्की के वहाँ पर, तो उससे वो मांगने लगे, पैसा मांगने लगे 2,00,000 रुपया कितना, तो उसका हार्ट फेल हो गया। आप समझिए, बताइए, हर चीज़ में इनको पैसा चाहिए। इनका चेकिंग करने का मकसद पैसा कमाना है, इनका मकसद कोई सुधार करना नहीं है। और 12 महीने थोड़ी चेकिंग होगा, 24 घंटे थोड़ी होगा भाई, आदमियों को फुर्सत लेने दो। और इस वक्त आ रही है, बक रही है, इस वक्त ये छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, वरना कोई हालात बिगाड़ने की जो लोग कोशिश करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसका बहरहाल अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम संबल को किसी भी कीमत पर मैं हालात बिगड़ने नहीं दूंगा, चाहे मुझे अपने खून की कुर्बानी देनी पड़े। इनके खिलाफ कार्रवाई हो, माहौल खराब है, लेकिन मैं संबल के हालात किसी भी कीमत पर, जो लोग इसकी फिक्र में हैं कि संबल के हालात बिगाड़ें, तो बहरहाल ये इधर बकरीद आ रही है, बकरीद का मौका है, वैसे ही नाजुक वक्त होता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सबको होशियार रहने। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।